यहाँ पर कांग्रेस के बजाय डीएमके लड़ रहा है, दलित मुस्लिम और कुंभी का जो कॉम्बिनेशन है वो लड़ रहा है, इसलिए सीट टफ हो गई है? बिल्कुल ही नहीं, ये डीएमके का फैक्टर खाली कुछ चंद लोगों में है। पिताजी का नाम डीएमके के बहुत आगे है, जात पात धर्म पंथ के बाहर उनका नाम है, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है प्रचार में। हम इतनी जगह से घूम रहे हैं, कभी हमें ये कुंभी मुस्लिम दलित का ये नहीं था। दो दिन से मैं खुद मोविंदपुरा में था, वहाँ कहीं पिताजी का विरोध नहीं है। आगे होके मुसलमान लोग आगे आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो टारगेट तय किया था 5 लाख मतों से विजय, वो मुझे लगता है कि हम जरूर 5 लाख मतों से विजय होने जा रहा है। पर वोट किस पे पड़ रहा है, नाम पे पड़ रहा है, काम पे पड़ रहा है या फिर जात पात पे पड़ रहा है? नहीं नहीं, जात पात पे तो वोट है ही नहीं नागपुर में। नागपुर में आने वाले पिछले 5 साल में जो बदलाव हुआ है, ये नागपुर बदलते हुए इन नागपुर के लोगों ने, जनता ने देखा है, तो विकास के ऊपर ही पूरा मतदान होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। आपकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ऋतुजा। जी, आपको क्या लग रहा है कि गडकर जी के नाम पर यहाँ लोग वोट कर रहे हैं या उनके काम पर वोट कर रहे हैं? काम पर वोट कर रहे हैं लोग, आजकल सब देख रहे हैं नागपुर बदलता हुआ, नागपुर सब देख रहे हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं और सबको लगता है कि ये बदलते हुए नागपुर के हम साक्षीदार हैं, तो काम पे ही वोट कर रहे हैं। हमारे साथ नितिन गडकरी की पत्नी है कंचन, उनसे बात करते हैं। कंचन जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार नागपुर कैसे बदला है और क्या गडकरी जी की जीत ज्यादा बड़ी होने वाली है? लोग तो कह रहे हैं कि काफी मुश्किल है। नहीं, नितिन जी की जो जीत है वो तो अच्छी तरह से होगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट नागपुर में हुआ है उसकी वजह से वोटिंग का रेट भी बढ़ा है और बहुत सारा अच्छा वोटिंग होगा नागपुर में, ये सब जगह दिख रहा है। हमारे साथ नितिन गडकरी के पुत्र सारंग हैं, उनसे बात करते हैं। सारंग, आप तो काफी एक्टिव रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार वोट कौन किस नाम, क्या गडकरी जी के नाम पर मिल रहा है या उनके काम पर मिल रहा है? सर देखिएगा, ऑफ कोर्स लोग सब कुछ देखते हैं, तो गडकरी साहब का नाम भी है और उनने किया हुआ काम भी है, तो मुझे लगता है दोनों विषय पे वोट मिलेंगे और लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार लीड साहब की रहेगी और वो उत्साह भी सब केंद्र पे आज दिख रहा है, तो उसका रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में वो ज़्यादा लीड से साहब को मिलने वाला है। आपकी पत्नी है, क्या नाम हुआ आपका? मधुरा जी। मधुरा, आपको क्या लग रहा है ये जीत इस बार ज़्यादा मधुर होने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि अभी इस बार लोगों ने काम देखा है, जो कभी देखा नहीं था वो सब देखा है, तो जीत तो जरूर ये मधुर होगी। जैसे ऐसा क्या काम है जिस पर लोग जिस पर नागपुर के लोग मोहित हो जाएं गडकरी जी पर? मोहित नहीं हो ऐसा आप मुझे कारण बताएंगे। बहुत खुश है लोग, लोगों ने रोड्स देखे हैं, लोग मेट्रो देख रहे हैं, लोग अच्छी अच्छी कंपनीज देख रहे हैं, लोग यहाँ पे प्लेग्राउंड्स देख रहे हैं, ग्रीन जिम्स देख रहे हैं, बहुत खुश है। नाना पटोले जो कि गडकरी जी के शिष्य माने जाते हैं, वे ही उनको अब राजनीति में टक्कर देने हैं उनके खिलाफ? ये मेरा विषय नहीं है, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गडकरी जी का परिवार था, जिनका कहना है कि काम और नाम दोनों पर गडकरी जी को वोट मिल रहा है और पिछली बार के मुकाबले उनकी जीत और ज्यादा बड़ी होने वाली है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, नागपुर।